नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। समान नागरिक संहिता के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। परिषद का कहना है कि समान नागरिक संहिता आदिवासियों के हितों को चोट पहुंचाने वाली है और यह आदिवासियों के मूल पहचान को भी प्रभावित कर सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की कलात्मक और शिल्प कौशल की समृद्धि परंपरा को जीवित रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ आज बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट की अपील पर सुनवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश में एयरलाइन के पट्टेदारों को विमान का निरीक्षण करने की अनुमति देने वाले सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा गया था। आज से शुरू होने जा रहा है यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष महंगाई सहित कई मुद्दों पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की तैयारी में जुटेगी। हरियाणा के नूह में धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने आज भी कुछ घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है। जहां आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोगों को आवाजाही करने की छूट दी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि लाइक और कमेंट करने वाले के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बिहार की महागठबंधन सरकार के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट से जाति जनगणना को हरी झंडी मिलने के बाद नालंदा के रहने वाले अखिलेश कुमार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखती है या फिर जातिगत जनगणना पर रोक लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती को लेकर तैयार किए गए अध्यादेश को लोकसभा में पास कराए जाने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह उसे राज्यसभा में पेश करेंगे, जिस पर हंगामा तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है और तमाम विपक्षी भी एकजुट होकर इसके खिलाफ मतदान कर सकते हैं। झारखंड के डुमरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक बार फिर से बोकारो के दौरे पर रहेंगे, जहां वे चंद्रपुरा प्रखंड के तारा नारी सिंचर बाजार के कार्यक्रम में शिरकत कर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एनटीपीसी ने उत्पादित बिजली की मांग घटने से एक साथ 3 इकाइयों को बंद कर दिया। इसके साथ ही 3 इकाई बंद होने की वजह से उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विद्युत सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब के कोटपुरा के रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 23.5 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने सभी राज्यों से आगे निकलते हुए लगातार दूसरे माह अखिल भारतीय स्तर पर जारी नवीनतम अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रगति रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। इस वर्ष जून महीने में 100% अंक के साथ प्रदेश पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जहां यह रैंकिंग हर माह NCRB द्वारा जारी की जाती है। उत्तराखंड सरकार ड्रोन को भविष्य की संभावनाओं वाले प्रमुख क्षेत्र के रूप में देख रही है। इस क्षेत्र में 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने ड्रोन के क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को पहले से ही प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन पाठ्यक्रम के 3 माह और 6 माह के डिप्लोमा कोर्स कराने का निर्णय लिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर एम तौफीक ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी एक बार फिर से संकल्प लेकर मोमेंटो झारखंड घोटाला, कंबल घोटाला की तरह सत्ता में आकर नए घोटाले को अंजाम देना चाहती है।
भाजपा चाहे जितनी भी यात्रा निकाल ले, अब जनता उन पर भरोसा करने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों के हर्बल उत्पाद अब देश भर के केंद्रीय भंडार स्टोरों पर भी उपलब्ध होंगे, जहां 3 बड़ी सरकारी संस्थाएं ग्रामीण महिलाओं के बनाए हुए उत्पाद को देश भर में बेचने का काम करेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ IIM रायपुर और केंद्रीय भंडार ने छत्तीसगढ़ हर्बल को लेकर एक MOU हस्ताक्षर साइन किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार और BJP पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश महिला और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर बन गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि मणिपुर पर बात क्यों नहीं करते। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के संबंध में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। सिन्हा ने कहा कि परिसीमन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव का निर्णय लेना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमा चलाने का आरोप लगाया, जहां विधायक ने कहा कि वह 2021 विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद से उनके और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए झूठे मामलों की प्रमाणित प्रक्रिया एकत्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के पोर्टल के लॉन्च के अवसर पर अमित शाह को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने अमित शाह को महाराष्ट्र का दामाद कहते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र के दामाद हैं, लेकिन अमित शाह का जन्म भी मुंबई में ही हुआ था। अमित शाह राजनीति में नहीं थे उस वक्त, तो बिजनेस कर रहे थे। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमित शाह जी का इंडस्ट्री भी महाराष्ट्र में है। गुजरात BJP के प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह बघेला ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर पार्टी अनुमति देती है तो वह कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। इसे लेकर निष्पक्ष जांच होने की मांग की गई है। बघेला ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी बदल लिया है और प्रदेश महामंत्री के जगह BJP कार्यकर्ता लिख दिया है। राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर CM अशोक गहलोत घिरते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अशोक गहलोत ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि जोधपुर और भिलवाड़ा में दरिंदगी की जो मामला आई है उसके प्रति राज्य सरकार बेहद गंभीर है। इन दोनों ही मामलों में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्दी से जल्दी जांच पूरी करके चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। सुल्तानपुर के थाना कुरेभार पुलिस टीम द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गाय बांधने को लेकर हुए मारपीट में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी मामले में गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अमरनाथ पुत्र जवाहरलाल, जवाहरलाल पुत्र भूभूति, राजवती पति अमरनाथ, विश्वनाथ पुत्र जवाहरलाल को ग्राम सोधाबहारी कुरेभार थाना जनपद सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राहुरी में लव जिहाद के बढ़ते मामले के खिलाफ हिंदू समाज द्वारा जन आक्रोश मार्च निकाला गया, जहां हिंदू धर्म की लड़कियों को धर्मांतरण में फंसाकर अन्याय होने के कारण महाराष्ट्र विधानसभा के MLA नितिन राणे, अहमदाबाद के MP डॉक्टर सुजय विखे के नेतृत्व में मार्च निकालकर लव जिहाद कानून बनाने की मांग की गई। इस मौके पर मार्च में 30,000 से 40,000 हिंदू भाई बहन एकत्रित हुए थे। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइक और कमेंट किया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वे भी प्लीज लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारी टीम पूरे उत्साहित होकर न्यूज एकत्रित करने में जुट जाती है। और अब बारी है कल के न्यूज में लाइक और कमेंट करने वाले लोगों के नामों की।
उनके नाम है सुनील कुमार पाथिपाका, सत्येंद्र शाह, संतोष भटनागर, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, निधिनाथ पांडे, महतो हरिनाथ महतो, डोगलेस ट्रूमैन, चितरंजन शर्मा, अशोक परमार, विजय सिंह बैरवा, सुल्तान अंसारी, सबीर अहमद, ओम प्रकाश नेगी, किरण मेहंदी आर्ट, अरुण दांगे, भारत सिंह, काजल कुमार गांगली, गौतम महतो, बबन यादव, संतोष कुमार शाह, बिष्ट तिवारी, जितेंद्र शाह, यूजर MZ3, कृष्ण प्रजापति, शिवाजी पटेल, बाबू राजा खां, विजय सक्सेना, सुमेर हंसमहल, तासी नामगिल, अशोक आर्या, प्रवीण कलिता, कमल साहू, मेदीलाल मौर्य, विनोद तिवारी, विजेंद्र शाह, अंसारी रसीद, पुरुषोत्तम पांडे, प्रवीण कुमार, सत्येंद्र शाह, शिल्पी विवेक बैनर्जी, मस्तान साहब खादरी, कैलाश जाट, अशोक कुमार, पुरुषोत्तम पांडे, कसम अली, राजेंद्र सिंह, रक्ष आर्या, रणधीर सिंह, PC मिश्रा, अयोध्या प्रसाद राठौर, KP तिवारी, परशुराम, रंजन जेना, चंद्रजीत, प्रहलाद पंडित, यूजर RW9, नवरत्न सिंह, हरे राम, प्रयास यादव और PH पटेल। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।